एक मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी एक मोहतरमा ने किसी दूसरी मोहतरमा को पूछा, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। समझ रहे हो? एक मोहतरमा ने दूसरी मोहतरमा से पूछा कि आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तो वो इतनी ओपन थी नहीं, उसने कहा नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। उसने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा, पक्का होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, यू आर सो क्यूट, आपका कोई बॉयफ्रेंड होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुआरे तो नहीं हो सकते। तो अब क्या करें, कोई पीछे पड़ जाए तो? उसका जवाब मैं आपको देता हूं, वो जवाब आपको भी सुनना चाहिए। और ये रिसेंटली घटना है, और जो लोग ऐसा काम करते हैं फालतू में, ना जान ना पहचान और फालतू के सवाल पूछते हैं, उनको कोई लेना एक नहीं देना दो, जिंदगी में कोई काम नहीं है तुम लोगों को, बट पूछते हैं ऐसे छेड़छाड़ करते हैं। तो देखो उस मोहतरमा ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, जो आपको इंस्पायर करेगा। उस बंदी ने जवाब दिया, माई पैशन इज माई बॉयफ्रेंड एंड आई एम डेटिंग माई करियर। कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? पैशन, मेरा पैशन। और मैं किसको डेट कर रही हूं? मेरे करियर को। बहुत बड़ी बात, और आप लोगों को सीखना चाहिए। और पता है ऐसे लोग कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में जानते हैं उनको क्या करना है, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। और ये जवाब अगर जिसने सुना, सवाल पूछा, तो पहले तो ये बकवास सवाल पूछने बंद करो, यही जिंदगी में नहीं रह गया है। और जवाब सुने हो तो बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, उस मोहतरमा को सलाम।